अभी हम आगे चलते हैं, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीपी और सीवी में रिलेशन क्या होता है वो हमें समझना है, ठीक है। लेकिन सीपी और सीवी हम डिफाइन किसके लिए करते हैं, स्पेशली गैसेस में। समझ में आता है? सीपी और सीवी है क्या? हीट कैपेसिटीज। बट सीपी कब है ये हीट कैपेसिटी? एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है। सीवी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो हमें ये समझना है कि सीपी और सीवी में रिलेशन होता क्या है। समझ में आ गया? तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। लेट अस सपोज हमने क्या किया, हमारे पास एक सिस्टम है और सिस्टम के नाम से हमें क्या याद आता है, एक सिलेंडर और एक पिस्टन, और उसमें मैंने एक गैस भर रखी है। ध्यान से देखना, ये गैस भर रखी है, गैस के कितने मोल्स भर रखे हैं, मान लो एन मोल्स। समझ पाता है? एन मोल्स मैंने भर रखे हैं, ठीक है। और मैं मान लेता हूं कि गैस कैसी है, इनर्ट, यानी ये रिएक्ट नहीं कर सकती, क्लियर है। पिस्टन भर रख, पिस्टन लगा रखा है तो पिस्टन मूवेबल है, मूव कर सकता है, क्लियर हो गया। अब मैं मान लेता हूं इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है। इनिशियल यहां पर मैं कौन सा डेटा रख रहा हूं, इनिशियल, इनिशियल टेम्परेचर T1 है। समझ में आता है? इनिशियल इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, V1 है। इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितनी मान लेता हूं मैं, E1 है। और इनिशियल हीट कंटेंट जिसको हम एंथैल्पी बोलते हैं वो क्या मान लेते हैं हम लोग, H1। समझ में आता है? टेम्परेचर तुम जानते ही हो, इसका इंटरनल जो गैस का टेम्परेचर है वो, इसका वॉल्यूम। समझ में आता है? अच्छा, इसकी इंटरनल एनर्जी, सारी एनर्जी जो इनके गैसेस मॉलिक्यूल्स के अंदर है, ठीक है, लेकिन वो वाली जो टेम्परेचर पे चेंज कर देती है। अब याद होगा इंटरनल एनर्जी, जिसको नहीं पता वो यूट्यूब में वीडियो रखी है, जाके देखो इंटरनल एनर्जी क्या होगी। और ये क्या हमारे पास, चेंज इन, दिस इज नॉट चेंज इन एंथैल्पी, दिस इज एंथैल्पी। समझ में आता है? क्लियर हो गया सबको? एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, और वो कितना होता है, दैट इज इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये याद होगा। तो इनिशियली इसका टेम्परेचर T1 मान लिया, इसका वॉल्यूम T1 मान लिया, इसकी इंटरनल एनर्जी E1 मान ली, और इसका एंथैल्पी कितना मान लिया, H1। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका क्या किया, इसको हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाया इस सिस्टम का। टेम्परेचर बढ़ा के मैं कहां ले गया, T1 से T2। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है और पिस्टन मूवेबल है तो एक्सपेंशन होगा गैस का, तो वॉल्यूम कितना हो गया, T1 से B2 मान लेते हैं। समझ में आता है? इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आ गया, E1 से कहां चली गई, E2 में, और इसी तरह से हीट कंटेंट में भी चेंज आ गया, H1 से कहां चला गया, H2 में। लेकिन खास बात देखो, क्योंकि ये गैस इनर्ट थी तो नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आया क्या, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स उतने ही। अब जरा ध्यान से देखो, इस सिस्टम के लिए मैंने तुम्हें ये सिखा रखा है दैट चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि H2 - H1, वो कैसे लिखेंगे, H2 - H1, चेंज इन एंथैल्पी, उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा H, याद होगा। H2 - H1 निकाल रहे हैं, H2 - H1 यानी कि डेल्टा H का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, याद होगा। प्लस क्या करना है, देखो यहां का प्रेशर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टाइम पे कांस्टेंट रख रहे हैं, दो चीजों को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, एक तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, और ये सारा सिस्टम जिसमें टेम्परेचर चेंज किया उसमें प्रेशर कांस्टेंट है। बात समझ में आता है, क्लियर हो गया? मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा, तभी तो आप एंथैल्पी यहां पर दिखा रहे, चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है, कांस्टेंट प्रेशर पर ही तो होता है, क्लियर हो गया। तो प्रेशर को मैंने कांस्टेंट रखा, तो यहां पर मैंने क्या किया, वॉल्यूम में भी चेंज आ गया, उसको मैं कैसे दिखाऊंगा, डेल वी से। सबको समझ में आ गया? ये इक्वेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एंथैल्पी का इक्वेशन होता है। एंथैल्पी इक्वेशन बेसिकली चेंज इन एंथैल्पी किसके ऊपर डिफाइन होती है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, सबको ध्यान होगा। तो प्रेशर को मैंने कांस्टेंट रखा है, जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं उसके नंबर ऑफ मोल्स को भी कांस्टेंट रखा, क्लियर हो गया। तो चेंज यहां पर मैंने प्रेशर में चेंज दिखाया क्या, नहीं, तो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। बात समझ में आ गया? नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा। उस केस में जरा ध्यान से देखो, हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी का इक्वेशन क्या बना, दैट इज डेल H इज इक्वल्स टू डेल E प्लस P डेल V। ये इक्वेशन पहले भी लिखवा चुका हूं, याद होगा सब लोगों को। अब आगे जरा ध्यान से देखो, डेल H का मतलब क्या होता है, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, समझ में आ गया। और उसका एक और मतलब होता है, चेंज इन एंथैल्पी को क्या कहते हैं, दैट इज हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, समझ में आ गया। और आपने कांस्टेंट प्रेशर पे दिए, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि QP, QP is equal to क्या होता है, डेल H, और उसका फॉर्मूला होता है क्या, एन सी पी डेल्टा डी, याद होगा। इसी तरह से हमारे पास डेली को देखो, डेली क्या होता है, दैट इज चेंज इन हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, याद होगा। और क्यूबी को क्या लिखते हो, एन सी वी डेल्टा डी,
समझ में आता है। और इसी तरह से आप इनर्ट गैस के लिए, वो अगर वो आइडियल गैस है तो PV = nRT आपने सुना होगा, ये आपको गैसीय सिस्टम से कब से सुनवा रहा हूं आप लोगों को, PV = nRT। अच्छा, अब इसमें चेंज क्या क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, चेंज किसमें आ रहा है, वॉल्यूम में, मोल्स कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो जिसमें चेंज आ रहा है उसको क्या लिखूंगा, जरा ध्यान से देखो, P को तो कांस्टेंट को P लिख दिया, चेंज किसमें आ रहा है, वॉल्यूम में, तो डेल्टा V, समझ पाता है, V2 - V1 को डेल्टा V, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, R कांस्टेंट, टेंपरेचर चेंज आ रहा है उसको क्या लिखूंगा, डेल्टा T। अब मैं यहां से एक तो P डेल V का वैल्यू उठा के वहां रख दूंगा, एक डेल S का वैल्यू उठा के वहां रख दूंगा, और एक डेल E का वैल्यू उठा के वहां रख दूंगा, इक्वेशन नंबर कौन सी में, 1। बात समझ में आता है, मैं सारी वैल्यूज उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूं, रखी तो क्या बना, जरा ध्यान से यहां देखो, चलो रखो, सबसे पहले डेल S का वैल्यू कितना होता है, दैट इज n cp डेल्टा t, रख दिया, आ रहा है उसमें, दिखाई दे रहा है, चलो n cp डेल्टा t के बाद डेल E का वैल्यू रखो, n cv डेल्टा t, और प्लस में उसका वैल्यू रखो p डेल V का, क्या होगा, ये रहा p डेल V, n r डेल्टा t, n r डेल्टा t, रख दिया। अब यहां से क्या करो, देखो जरा ध्यान से, ये n डेल्टा t कॉमन ले लिया, कॉमन क्या है, तो मैंने साइड में निकाल लिया उसको, आपको काटने के लिए, बस सीधे कट रहा है, समझ में आता है, लेकिन फिर भी दिखा देता हूं, यहां से क्या किया, यहां से n डेल्टा t कॉमन आ गया इन दोनों से, n डेल्टा t कॉमन आया, अंदर क्या बचा, cv + r, दिखाई दे रहा है, तो यहां से n डेल्टा t से ये n डेल्टा t कट गया, बचा क्या आपके पास, cp = cv + r, यानी कि cp - cv = r, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्लियर हो गया, ये CP और CV में रिलेशन होता है कि CP - CV किसके बराबर होता है, R, R क्या यहाँ पे गैस कांस्टेंट, क्लियर हो गया सबको, और अगर आप ये हीट कैपेसिटी इसकी वैल्यू जूल में लेते हो तो गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, 8.314, क्लियर हो गया, कैलोरी में लेते हो तो 2.196 अराउंड, क्लियर हो गया, बात सबको समझ में आ गई, दिस इज द रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, क्लियर हो गया सबको, ये अभी काम लेंगे अपन, लेकिन उससे पहले इसको उतारो, तो फाइनली एक रिलेशन हमने देखी है CP और CV के बीच में, और वो रिलेशन क्या था, दैट इज जो पहला रिलेशन हमने देखा, दैट इज CP - CV किसके बराबर होता है, R के, बात समझ में आ गया, एक दूसरा रिलेशन भी दिया, वो किसने दिया, जिसको हम पॉइजंस रेशियो बोलते हैं, तो लिखो पॉइजंस रेशियो, पॉइजंस रेशियो, पॉइजंस रेशियो लिख लिया, पॉइजन रेशियो को हम लोग गामा से डिफाइन करते हैं, इसको आपको डायरेक्टली याद ही रखना है, और एक तो रेशियो वो किस किस का रेशियो है, CP / CV, इसको बोलते हैं पॉइजन रेशियो, मतलब क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर आप डिवाइड करते हो तो पॉइजन रेशियो निकल के आता है, और पॉइजन रेशियो हम लोग क्यों निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास इनर्ट गैसेस बहुत तरह की होती है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक, तो उनके लिए हम लोग पॉइजन रेशियो निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमें CP और CV की वैल्यू निकालनी है, रिलेशन में पता लग गया CP - CV R के बराबर होता है, और ये पॉइजन रेशियो हमें अलग-अलग गैसेस के लिए निकालना है, बात समझ में आ गया, मोनो, डाय और ट्राई के लिए ये निकालना है, पॉली के लिए भी निकाल सकते हो, तो ये हमें कैलकुलेशन करनी है, लेकिन एक छोटा सा फिजिक्स का फॉर्मूला और है, किसको कैलकुलेट करने के लिए, CV को कैलकुलेट करने के लिए, वो तुम फिजिक्स में सीखोगे, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता देता हूं वो होता क्या है, देखो थर्ड थिंग जो आपको याद रखनी है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू CV, क्लियर होता है, और वो तीसरी चीज क्या है, CV is equals to, ये क्या होता है, that is F R by 2, ये कहां से आया है, तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, ये फिजिक्स में आता है, लेकिन ये होता क्या है, F into R by 2, यहां R क्या है, गैस कांस्टेंट, ये गैसेस के लिए स्पेशल तो गैस कांस्टेंट लगा हुआ, बट F क्या है, होता है F, मैं आपको सिखाऊंगा F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, जरा उसको हम देखते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से आया, तो तुम फिजिक्स में सीखोगे, लेकिन यहां पर R क्या है, गैस कांस्टेंट, F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है वो हम देखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है एनर्जी को, कोई भी सिस्टम एनर्जी को कितनी तरह से एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है, कोई भी सिस्टम यानी कि कोई भी गैस एनर्जी को कितनी तरह से एक्सचेंज कर सकती है, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, क्लियर हो गया, तो कोई भी गैस एनर्जी को तीन तरह से एक्सचेंज कर सकती है, जरा ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है, देखो कोई भी गैस, अब हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की, क्लियर है, जिसको हम बोलेंगे कैपिटल एफ, और वो तीन तरह से पॉसिबल है, कोई भी गैस एनर्जी को तीन तरह से क्या करती है, बेसिकली तीन तरह से क्या करती है, उसको
एनर्जी को एक्सचेंज कर रही है। एनर्जी को एक्सचेंज करने के तरीके हैं, उसमें आ रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है, तीनों एरो आ गए। अब जरा चेक करो तीन तरीके कौन से हैं। एक तो एनर्जी एक्सचेंज करता है इस फॉर्म में, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। ये सब चीजें फिजिक्स की फंडामेंटल चीजें हैं, ट्रांसलेशनल एनर्जी एक्सचेंज। एक होता है रोटेशनल एनर्जी एक्सचेंज, अगर वो रोटेशन करें एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ट्रांसलेशनल का मतलब होता है एक डायरेक्शन में चलना, समझ में आ गया। रोटेशन का मतलब होता है एक एक एक्सिस को तो तुम पकड़ लो और उसके रिस्पेक्ट में घूमना। जैसे अर्थ क्या करती है, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, क्लियर हो गया। तो सन वाला जो एक्सिस है उसके अराउंड वो घूम रही है, क्लियर हो गया। तो रोटेशनल एनर्जी बोलते हैं, रोटेशनल एनर्जी एक्सचेंज। ट्रांसलेशनल तो क्या हो गया, एक ही जैसे एक्स डायरेक्शन में तुमने चलना चालू किया, एक्स डायरेक्शन में चल रहे हो तो चल रहे हो, तुम एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो ना। हर एक मूवमेंट एनर्जी को एक्सचेंज करता है, एनर्जी कैन ईदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तुम चल भी रहे हो और एक डायरेक्शन में अगर वो मॉलिक्यूल चल रहा है तो ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या कर रहा होता है उस टाइम पे, एक्सचेंज कर रहा होता है। एक होती है रोटेशनल एनर्जी, एक एक्सिस को पकड़ ले और दूसरे एक्सिस पे घूमे। जैसे तुम क्या करो, एक रस्सी ले लो और रस्सी के लास्ट वाले जो सिरा है उसमें एक बोल्ट बांध दो। अब तुम उसके लिए एक्सिस हो गए, जब तुम उसको घुमाओगे तो तुम तो उसके लिए एक्सिस हो, लेकिन तुम्हारे चारों तरफ वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, समझ में आता है, रोटेशनल एनर्जी। और तीसरी एनर्जी होती है वाइब्रेशनल एनर्जी एक्सचेंज। कौन सी होती है, वाइब्रेशनल। लेकिन वाइब्रेशनल एनर्जी एक्सचेंज जो होता है वो वेरी हाई टेम्परेचर, किस पे होता है, बहुत ही ज्यादा हैवी टेम्परेचर पर होता है, क्लियर हो गया। बहुत ज्यादा हैवी टेम्परेचर होगा तो वाइब्रेट करना लगेगी ऐसे, ये तो नॉर्मल पता ही, वाइब्रेट कर रही है तो क्या, वाइब्रेशनल एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, अपनी एनर्जी वाइब्रेशन के तौर पे वो क्या कर रही है, एक्सचेंज कर रही है एनवायरनमेंट के साथ। बात समझ में आती है। तो तीन तरह से एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है, ट्रांजिशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। ट्रांजिशनल को बोलते हैं हम एफटी, रोटेशनल को क्या बोलते हैं एफआर, और वाइब्रेशनल को एफवी। एफवी को हम लोग स्टडी नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर पर होती है और हम केमिस्ट्री में ज्यादातर काम किस पे करते हैं, नॉर्मल रूम टेंपरेचर पर। तो यहाँ वाइब्रेशन एनर्जी एक्सचेंज वाला कोई सीन नहीं है गैसियस मॉलिक्यूल का, समझ में आता है। मतलब हम गैसियस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, गैसियस मॉलिक्यूल अगर एक ही डायरेक्शन में चलते जा रहा है तो ट्रांजिशनल एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, और अगर गैसियस मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, और अगर गैसियस मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है यूं तो वाइब्रेशन एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है। बात समझ में आ गया। अब इतने तीन तरीके से वो कर सकता है, लेकिन वाइब्रेशन तो वो तभी करेगा जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो, तो वो वाइब्रेट करना चालू करता है, तो वो रोटेट भी करेगा। देखो कैसे करता है, वो जा भी रहा है, रोटेट भी कर रहा है, समझ में आता है, और वाइब्रेट भी कर रहा है। लेकिन ये सब चीजें तीनों का एनर्जी कब पॉसिबल है, जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो, क्लियर होता है। ये तीन तरीके से वो कर सकता है। तो हमें यही देखना है कि अलग अलग जो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनो एटॉमिक, बाय डायटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, वो इनमें से कौन सी एनर्जी एक्सचेंज इजीली करते हैं, कितना होता है उनका वैल्यू, वही हमें देखना है, समझ में आ गया। उसमें से वाइब्रेशनल एनर्जी को हम लोग पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वो क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर पर होती है। तो हमारे लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर होगा, ट्रांजिशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी, इन दोनों के समेशन के बराबर होगा। बात समझ में आ गया। और जो F का वैल्यू आएगा वो हमें कहां रहता है, CV की वैल्यू में। CV इसका सूत्र क्या होता है, F into R by 2। बात समझ में आ गया। और जब हमें CV का वैल्यू मिल गया तो हम जानते हैं कि CP minus CV किसके बराबर होता है, R के। यहां से CP का वैल्यू निकाल लो, CP इसका सूत्र क्या होगा, R plus CV। समझ में आ गया। तो हमें CV का भी वैल्यू मिल गया, CP का भी वैल्यू मिल गया, और एट द एंड हमें क्या करना है, गामा की कैलकुलेशन करनी है, पॉइजन रेशियो अलग अलग एसेस की। गामा कैलकुलेशन कैसे होगी, CP by CV। तो हमें ये काम करना है इस रूटीन में, हमें सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम का पता लगाना है अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए, फिर उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम पता लग जाए तो CV की वैल्यू पता लगेगी। CV की वैल्यू कैसे पता लगेगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू R by 2। आता समझ में, जब CV की वैल्यू पता लगे तो CP की पता लग जाएगी, कैसे, क्योंकि CP इसका सूत्र क्या होता है, R plus CV। जब CV और CP दोनों की पता लगे तो पॉइजन रेशियो पता लग जाएगा, और पॉइजन रेशियो को हमें पता लगाना है अलग अलग एसेस के लिए। सबको समझ में आ गया, ये काम अभी अलग अलग एसेस के लिए करना है, लेकिन ये फॉर्मूले तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, कौन सा ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और तीसरे में एफ क्या होगा मैंने तुम्हें बता दिया। अब इसको अलग अलग एसेस के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले लिख लूंगा।